हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई एम मुकेश भारती एंड टूडे आई विल टेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर फ्रॉम क्लास नाइन्थ इज इकनॉमिक्स ओके सो माई डेयर स्टूडेंट्स इन पार्ट वन आई हैव टॉट यू मैनी टॉपिक ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील नो दैट वॉट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन पार्ट वन अगर आपने ये वीडियो uh, लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख लेंगे क्योंकि उसमें जो टॉपिक कुछ हमने कवर किए बता देता हूँ जैसे पहला हमारा जो टॉपिक कवर्ड था दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज से रिलेटेड था ओके okay? और इसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी द सेकेंड टॉपिक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो वॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज उससे रिलेटेड भी बातें बताई गई आप लोगों को एंड थर्ड वी डिस्कस्ड वॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ओके ये वीडियो ये टॉपिक भी डिस्कस किया गया था ओके देन लास्ट वी डिस्कस डिफरेंस बिट्वीन ओके फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल तो ये चार बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर लास्ट वीडियो में समझाया गया दैट वाज पार्ट 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 टुडे डिस्कस द रिमेनिंग इन ऑफ दिस चैप्टर ओके सो सबसे पहले बच्चों में स्टार्ट करते हैं देर इज अ बेसिक नॉलेज दैट यू हैव टू रिमेम्बर दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर है ना लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड को हेक्टेयर के स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर किया जाता है एंड वन हेक्टेयर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर्स ये आपको ध्यान रखना है कि हेक्टेयर में मेजर किया जाता है वन हेक्टेयर कितने के बराबर होता है टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर के बराबर होता है एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया देर आर डिफरेंट यूनिट प्रीवलेंट लाइक कुछ पार्ट्स में बिघा कहीं पे बिस्सा कहीं पे कट्ठा और कहीं पे जरीब

कि एग्रीकल्चरल क्रॉप को तीन कैटेगरी uh, में डिवाइड किया गया है और उनके पीरियड्स डिफरेंट डिफरेंट है ओके okay. तो सबसे पहले चलते हैं ओके फर्स्ट वी हैव फॉर रेनी सीजन वी हैव खरीफ क्रॉप्स और इसका जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर और इनमें कौन-कौन से क्रॉप्स आते हैं ज्वार बाजरा राइस मेज कॉटन शुगर केन टोबैको एटसेट्रा ओके okay.

वॉटरमेलन तोरीस कंबर लिफी एंड अदर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो ये जितने भी एग्रीकल्चरल सीजन है वो तीन तरीके से डिवाइड होते हैं तीन क्रॉपिंग सीजन में खरीफ रबी एंड जैद इनका ये रेनी सीजन में विंट ये रेनी सीजन में खरीफ विंटर सीजन में रबी समर सीजन में जिद और इनका डिफरेंट टाइम पीरियड है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड और इनके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप नेम है दिस इज वॉट यू हैव टू गिव इन माइंड ओके नेक्स्ट वी हैव वी हैव टू लर्न इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इट कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन ओके मल्टीपल क्रॉपिंग वट यू हैव टू नो अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है वॉट इज मल्टीपल क्रॉपिंग ऑल अबाउट तो देखो सबसे पहले आप नाम से समझो बच्चों मल्टीपल मल्टीपल का मतलब आपको पता होता है क्या होता है मोर देन वन मल्टीपल मीन्स वॉट मोर देन वन ओके अ क्रॉपिंग का मतलब तो आप जान रहे हो क्रॉप्स को ग्रो करना तो मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हेन फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन द सेम ग्रोइंग सीजन तो उसे हम क्या बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल मतलब क्या हो गया कि ग्रोइंग आप क्या करते हो ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स ओके मोर देन वन क्रॉप इन द सेम लैंड भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और सीजन भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए लेकिन क्रॉप्स हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रो करते हैं इसका रीजन क्या होता है ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हम जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं दूसरा रीजन क्या है हम रिस्क कम करना चाहते हैं रिस्क मल्टीपल क्रॉपिंग से रिस्क फार्मर्स के लिए कैसे कम होता है रिस्क कम होने का वजह होता है कि अगर आप दो या चार क्रॉप ग्रो करते हो और मार्केट में जब आप बेचने जाते हो सेल करने के लिए अगर एक दो क्रॉप का प्राइस कम भी रहेगा तो हो सकता है कि आप बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किए हो तो एक दो का प्राइस कम रहेगा तो और एक दो का प्राइस ज्यादा भी हो सकता है जिससे क्या होगा आपका लॉस होने का रिस्क क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो दिस वाज़ ऑल अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग ओके आ, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है एग्रीकल्चर करते हैं फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग से क्या फायदा होता है तो देखो फार्मिंग के पे तीन बेनिफिट दिए हुए हैं पहला पहला बेनिफिट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फूड फॉर द पीपल ओके पहला पॉइंट है फूड फॉर द पीपल लोगों को हम लोग जो खाते पीते हैं लोग, हम लोग हम लोगों को जो सब्जियां हैं या राइस है वीट है पल्सेस है सो वी ऑल हैव दिस ओके सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस ऑल वी गेट इट फ्रॉम फार्मिंग ओके फार्मिंग लोग करते हैं उससे हमें मिलता है दूसरा द सेकंड वन इज फूड फॉर द एनिमल एनिमल्स का जो खाने का सामान होता तो है हम फॉर्डर बोलते हैं और ये भी कहां से मिलता है फार्मिंग से ही मिलता है तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मैनुफेक्चरिंग सेक्टर के लिए मनुफेक्चरिंग सेक्टर के बारे में हमने कल बताया था जहां पे प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज में कंपनीज में प्रोडक्शन यूनिट्स में जहां पे आप रॉ मटेरियल को दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हो कन्वर्ट कर देते हो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर और मैनुफेक्चरिंग सेक्टर तो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है फार्मिंग फार्मिंग तो farming के तीन बेनिफिट बेनिफिट हो गया। क्या हो गए पहला पहला क्या गया फूड मिलता है लोगों के लिए दूसरा हो गया पाउडर इसके लिए एनिमल्स के लिए और तीसरा सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फार्मिंग तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है ये फार्मिंग के बेनिफिट्स हैं ये फार्मिंग हमें प्रोवाइड करते हैं ओके अब आप नेक्स्ट देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हंड्रेड परसेंट अगर पुछ इससे पूछा जा सकता है ओके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मेथड्स ऑफ फार्मिंग देखो एक्चुअली क्या है ये विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में है बट यहां से एक जनरल इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहे हैं वो आपको रिमेम्बर करने है ओके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मेथड्स ऑफ फार्मिंग यानी जो हमारे देश में हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर हो रहा है जो फार्मिंग किया जा रहा है फार्मर्स जो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं पर्सेस को वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो कौन से मेथड से ग्रो कर रहे हैं तो ये मेथड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकेंड इज कॉल मॉडर्न मेथड ओके ट्रेडिशनल देखो वर्ड का मतलब ट्रेडिशनल मतलब होता है दोज फार्मिंग मेथड्स हैज बीन इन प्रैक्टिस फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम और अनशीन टाइम ओके जो बहुत पहले से uh, वो कस्टम फार्मिंग करने का मेथड्स चलता रहा और अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है है ना इस तरह वो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स आप पहले के तरीके से आप अभी भी पहले के तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हो बट यहाँ पे जब आप मॉडर्न फार्मिंग की बात करो मॉडर्न का मतलब ये होता है आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हो आज के समय में जो नई नई मशीनरी आ रही है जो नए नए नॉलेज मिल रहे हैं जो नए नए आप तरीके हैं नए नए मशीन्स हैं ट्रैक्टर्स हैं तो मॉडर्न फार्मिंग का सिंपल मतलब हो गया है कि जो आ, इनोवेशंस है ओके जो नई नई इनोवेशंस किए जा रहे हैं जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो मार्केट में या कंट्री में जो एडवांस टेक आ रहा है उस चीज को फॉलो किया जा रहा है है ना आप अपने नॉलेज को यानी फार्मिंग करने का जो नॉलेज है आप उसे क्या कर रहे हो अपडेट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फार्मिंग तो दो तरह का फार्मिंग होता है तो देख लेते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल मेथड्स ट्रेडिशनल इनपुट्स ट्रेडिशनल फार्मिंग वो इसमें ट्रेडिशनल इनपुट का यूज करते हैं जैसे ट्रेडिशनल सीड्स जो पहले से सीड्स है उन्हीं सीड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नया वराइटी सीड्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं काउडंग ना पहले के जमाने लोग काउडंग जमीन को सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज करते हैं अगर उस तरीके से अब फार्मिंग किया जा रहा है नेचुरल मेन्योर जैसे कंपोस्टिंग वगैरह करके नेचुरली मेन्योर तैयार किया जा रहा है एनिमल्स को यूज कर रहे हो आप फार्मिंग uh, करने के लिए सो so, uh, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये सारी चीज़ें uh, बहुत पहले से अनशीन टाइम से पुराने हिस्टोरिकल टाइम से चलती आ रही दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल फार्मिंग बट मॉडर्न फार्मिंग में आप देखिए क्या है मॉडर्न फार्मिंग क्या इंप्लीमेंट करता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी

ओके okay, तो so का इस्तेमाल करना केमिकल फर्टिलाइजर का पहले देखो अभी मैंने बताया कि ट्रेडिशनल में हम डंग का यूज करते थे नेचुरल मैन्योर का यूज करते थे जिसमें काफी टाइम लगता था वैसा करने में लेकिन आजकल क्या है केमिकली फर्टिलाइजर प्रोड्यूस मार्केट में बिक रहे हैं केमिकली जो प्रोड्यूस हो चुके हैं आप जाइए पैसा दीजिए खरीदिए और अपने लैंड्स को फर्टिलाइज कीजिए फर्टिलिटी उनका बढ़ाइए ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स हार्वेस्टर्स यानी मैकेनिकल फार्मिंग है ना बहुत सारे मशीन्स है जो फार्मिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं जैसे फार्मिंग करना बहुत इजी हो गया है बहुत आसान हो गया है तो इस तरीके से अगर फार्मिंग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग बोलते हैं अब यहाँ पे कंपेरिजन चार्ट है जिसके थ्री जिसके थ्रू हम मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में समझ लेते हैं ओके तो सबसे पहले देखिए एक है बेसिस ऑफ डिफरेंस ट्रेडिशनल फार्मिंग मॉडर्न फार्मिंग तो सबसे पहले लेबर लेबर के बारे में देखना है देखिए जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना इसमें क्या होता है कि ज्यादातर खुद फार्मर खुद आ, फार्मिंग करता है या उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं ओके लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में चूंकि प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाता है इसलिए हायर्ड लेबर बाहर से लेबर को हायर करके फार्मिंग की जाती है सीड्स में ऊपर हमने देखा ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स का आ, आ, यूज होता है और मॉडर्न फार्मिंग में एच वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होता है जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके देते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे ओके okay? फिर हमने फर्टिलाइजर्स वगैरह के बारे में देखा ट्रेडिशनल फार्मिंग में डंग या अदर नेचुरल मैन्योर का यूज किया जाता था फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए लेकिन अब क्या है केमिकली प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर या इंसेक्ट या पेस्ट्स को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स uh, और इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं फार्मर्स इजली मार्केट में खरीद कर यूज कर सकते हैं ओके प्लॉफिंग एंड हार्वेस्टिंग की बात करें तो पहले जो प्लॉफिंग होता था एनिमल से होता था है ना और अब जो प्लॉफिंग होता है वो नॉर्मली ट्रैक्टर से होता है या बहुत सारे मशीनरी जैसे थ्रेशर हो गया हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर का यूज करते हैं लेकिन पहले उसको मैनुअली या एनिमल वगैरह से किया जाता था ओके okay? सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग में इरिगेशन की बात करें सिंचाई की बात करें तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो फार्मर्स हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड करते थे कि अगर रेनफॉल बारिश होती है तो इरिगेट होगा या वेल वगैरह से कुएं वगैरह से मैनुअली क्या करते थे पानी निकाल कर इरीगेट करते थे खेतों में ओके okay. बट आज जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें किसका यूज हो रहा है ट्यूब का यूज हो रहा है पंप सेट्स लगाए जा रहे हैं टैंक्स लगाए जा रहे हैं डैम्स वगैरह एटसेट्रा बनाया जा रहा है जिनसे इरिगेट इरिगेशन बहुत बड़े लेवल पे और बहुत आसानी से हो पा रहा है तो ये आपने देखा कि कुछ हमारे पास पॉइंट्स और डिफरेंस थे जो डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके बीच ट्रेडिशनल फार्मिंग फार्मिंग के के बीच बीच और मॉडर्न आई होप यू अंडरस्टूड इट ओके अब मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड कुछ मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ जैसे आपने पढ़ा आप देखिए कितना बड़ा खेत है इट्स अ वेरी ह्यूज पीस ऑफ लैंड बट इट इज बीइंग इरिगेटेड वेरी इजली थ्रू अ मेकनाइज मेथड ओके के देखिए मशीनों से बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे देखिए uh, एक सेट पंप सेट है यहाँ भी एक यहाँ भी एक पंप सेट है यहाँ पे भी इरिगेशन के लिए लगा हुआ है यहाँ पे मॉडर्न तरीके से फार्मिंग की जा रही है देखिए हार्वेस्टर है फसल को काट क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है मशीन से ये देखिए साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक uh, तरीके से यहाँ फार्मिंग की जा रही है यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो किया जा रहा है यहाँ पे देखिए इरिगेशन करने के लिए किस तरीके से एक जगह से बहुत जगह इरिगेशन का काम किया जा रहा है तो इस तरीके से आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट मेथड ये ये क्या है ये सब मॉडर्न मेथड्स हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग है जो पहले ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी लेकिन आज बहुत नए नए तरीके बहुत ही न्यू uh, मेथड्स आ चुके हैं हमारे पास है ना उनका बहुत ही नॉलेज uh, है जो दिया जा रहा है लोगों को फार्मर्स को सही तरीके से अलग तरीके से फार्मिंग uh, करने के लिए तो दैट इज ऑल कॉल्ड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग ओके तो आपको एक याद रखना है कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यानी द फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न फर्स्ट ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग इन इंडिया है ना यहाँ के लोग सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग को ट्राई किए थे करने के लिए नाउ वर्ड वी द लास्ट टॉपिक आई मीन इट्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैटीआर डी इज ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड ओके तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो ग्रीन की बात करते हैं। तो ग्रीन की बात अगर कभी भी करते हैं तो आप किस बात करते हैं ग्रीन की बात करते हो तो आप फार्मिंग की बात करते हो आप खेती की बात करते हो एग्रीकल्चर की बात करते हो आन व्हेन यू टॉक अबाउट रिवोल्यूशन इट इट रिवोल्यूशन का मतलब अगर हम बात करते हैं तो सब्सटैंशियल चेंज की बात करते हैं सब्सटैंशियल यहाँ पे चेंज बोलो या सब्सटैंशियल इंक्रीज बोलो ओके okay? सब्सटैंशियल का मतलब होता है बहुत बड़े अमाउंट से चेंज होना बहुत बड़े लेवल पे चेंज होना बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज तो हमने क्या देखा कि 1967 के करीब 1960s में फार्मिंग फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे चेंज आया जिससे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपली अगर डेफिनेशन देखे तो सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस है ना वीट और राइस और भी प्रोडक्ट्स में बाद में आए लेकिन जो सबसे ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन बढ़ा किसका बढ़ा ट और राइस का बढ़ा में, called, okay, अब आता है कि चलो ग्रीन रेवल्यूशन मतलब में, में ज्यादा बढ़ गया वीट एंड राइस का प्रोडक्शन ठीक है बट वट आर द रीजन तो रीजन वही है जो हमने देखा मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमने ऑप्ट कर लिया नाइनटीन में जैसे एच वाई वी सीट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वेल well डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया फर्टिलाइजर का यूज करने लगे पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे फार्मिंग में हमने मशीनरी का यूज करना स्टार्ट कर दिया तो दीज वर ऑल द लेड टू द लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन एंड लेड टू दबस्टैंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस ओके तो ग्रीन रेवल्यूशन क्या हो गया सब्सटैंडियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस नाइनटीन सिक्सटीज एंड वॉट आर द रीजन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स Okay, seeds, well क्या होता है ना कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ऑप्ट करने लगे थे। लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है में क्या है हाई क्रॉप तो हमने अभी हमने देखा कि वीट एंड राइस या अदर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तो ये बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का बहुत ज्यादा हो गया पहले बहुत कमी रहती थी यहाँ में दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता था लेकिन अब हम लोग सेल्फ सफिशियंट होने लग गए थे है ना दूसरा क्या है कि अब मशीन्स वगैरह का हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स थ्रेसर्स का जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग किया जाता था और सारा काम किया जाता था बट द हेल्प ऑफ मशीनरी सो इट बिकेम वेरी इजी फॉर हार्वेस्टिंग एक्टिविटी ओके नाउ द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इज अब क्या हुआ कि जब हाइयर रेल होने लग गया बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने से फायदा क्या होगा कि हम लोग के पास सरप्लस बचने लग जाएगा सरप्लस फूड सिंपली मीन्स दैट वॉट एवर वी नीड फॉर आवर फैमिली बियॉन्ड दैट वी हैव हैव वी मोर दैट ओके जितना हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा हमारे पास है तो उस सरप्लस फूड को हम क्या कर सकते हैं मार्केट में सेल करके हम और ज्यादा अर्न कर सकते हैं तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि अब हम मार्केट में भी सेल करने लग गए फोर्थ पॉइंट हमारा है कि पहले क्रॉप्स को फसलों को पेस्ट एंड इंसेक्ट से बचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें थी नहीं बट नाउ वी कैन सेव आवर क्रॉप फ्रॉम बींग डिस्ट्रॉयड बाई पेस्ट एंड इंसेक्ट्स तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि अब हम अपने क्रॉप्स को सेव कर सकते हैं ओके okay? तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे बच्चों अब हमारे पास कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं ओके कि ग्रीन रेवोल्यूशन में देखो नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं वही कि जो हमारे क्रॉप्स थे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ गया हमने मॉडर्न चीजों को हम लोग यूज करने लग गए बहुत सारे वा लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है तो देखिए पहला लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर देखिए जब आप ज्यादा से जब आप ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ठीक है तो वो केमिकल फर्टिलाइजर वाटर में डिजोल्व होकर जमीन के अंदर चला जाता है और जिससे जमीन पोल्यूट हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो ज्यादा फर्टिल थोड़ा बहुत यूज करना सही है बट य, बड़े अमाउंट पे या बड़े लेवल पे फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन यानी लैंड की फर्टिलिटी फ्यूचर के लिए क्या होने लगती है कम होने लगती है Increase in soil and water pollution, और ये chemical अगर water में dissolve हो जाए तो वाटर पोल्यूट हो जाएगा soil में dissolve हो जाए तो soil जो पहले हेल्दी हुआ करता था वो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया वगैरह वो किल करके सॉइल को पोल्यूट कर देता है तो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन हो गया दो नेगेटिव पॉइंट तीसरा जो वाटर टेबल है जो लेवल होता है पानी का वो भी क्या होता है इन इस तरह के यूज से क्या हो जाता है नीचे चला जाता है क्यों क्योंकि जब आप मॉडर्न फार्मिंग करते हो ना तो वाटर ज्यादा चाहिए मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए इरिगेशन बड़े लेवल पे चाहिए अब ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन लेवल पे चाहिए तो इस तरीके से थोड़ा सा वाटर टेबल क्या होता है बिलो द ग्राउंड चला जाता है ओके एंड नेक्स्ट आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स जब आप यूज करते हो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वो कुछ बैक्टीरियाज को या कुछ माइक्रो मा, ऑर्गेनिज्म को जो सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं उसको किल कर देता है ठीक है तो जब सॉइल के लिए जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्पफुल है उनको भी किल कर देता है सरप्लस तो so okay. फूड के बारे में अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था सरप्लस फूड क्या होता है इट इज एन एक्सेस ऑफ एक्सेस का मतलब कहता है ज्यादा एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन का ज्यादा हो जाना है ना आफ्टर मीटिंग सेल्फ कंजप्शन इट आपको जितनी जरूरत है जैसे मान लो कि भाई एक फार्मर है उसको हंड्रेडेंड के uh, केजी का जरूरत है ओके okay. लेकिन उसने प्रोडक्शन कितना किया फिफ्टीन हंड्रेड के तो अब क्या कर सकता है वो फाइव हंड्रेड के को मार्केट में क्या कर सकता है बेच के पैसे कमा सकता है दैट इज कॉल्ड सरप्लस फूड ओके नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ओके कि अब ये लास्ट टॉपिक में गया ऑब्टेनिंग कैपिटल अब यहाँ पे देखिए कुछ स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे विलेज ऑफ आलमपुर में और कुछ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हुआ करते थे तो इनको कैपिटल कैसे मिलता कैपिटल का मतलब एक चीज और आपको यह, यहाँ पे जो कैपिटल का मतलब वो क्या है कि आप चलो आप फार्मर्स क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट किसी सीड्स खरीदना है फर्टिलाइजर्स खरीदने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मशीन वगैरह तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना उनको चाहिए मनी और इसी मनी को क्या बोलते हैं कैपिटल अब ये कैपिटल कहां से मिलता था ठीक है तो देखो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते थे इन, इनको कैपिटल कहां से मिलता था देखो ये लार्ज लेवल पे फार्मिंग करते थे बड़े लेवल पे क्योंकि इनके पास जमीनें क्या होती थी ज्यादा होती थी तो ये लार्ज प्रोड्यूस प्रोडक्शन करते थे ठीक है तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के कारण इनके पास क्या आता था सरप्लस भी बहुत ज्यादा होता था सरप्लस ये कोई क्या करते थे मार्केट में सेल करते थे और सेल करने से इनको इनकम होता था और यही इनकम ये कैपिटल के रूप में यूज करते थे ये पहला तरीका इनका होता था दूसरा तरीका था कि ये जो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो लोन दिया करते क्योंकि पैसे ज्यादा होते थे ये लोन देते थे किसको लोन देते थे स्मॉल फार्मर्स को और लोन के बदले उनको क्या मिलता था इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट भी उनके लिए क्या था लार्ज फार्मर्स के लिए इनकम और इसको भी किस रूप में यूज करते थे कैपिटल के फॉर्म में तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर सरप्लस फूड बेच करके या लोन दे देते थे उससे इंटरेस्ट कमा कर बट स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे ये नॉर्मली बेचारे बोरो करते थे दे वर वेरी हेल्पलेस दे टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स ट्रेडर्स मतलब किससे लोन लेते थे जहां से ये सीड्स खरीदते थे रॉ मटेरियल खरीदते थे या मशीन वगैरह ट्रेडर है ना उन ट्रेडर से भी क्या करते ये उधार लिया करते थे जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ करता था ज्यादा हुआ करता था तो ऑप्टेनिंग कैपिटल वॉज वेरी इजी फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वॉर स्मॉल फार्मर्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू बोरो कैपिटल ओके ओके फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स आज का चैप्टर यही खत्म होता है तो ये कंप्लीट नोट था जिसको मैंने दो पार्ट में है ना दो वीडियो मैंने बनाया है पार्ट वन का वीडियो एंड पार्ट टू का वीडियो अगर ये पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो अगर देख लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट योर प्रॉब्लम और द क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स And I will try to answer your question and I'll make further videos. So, if you want those videos to reach you, please uh, like and subscribe my channel. And uh, thanks for watching. Thank you very much.